जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी के अजीबोगरीब फरमान से टीचर्स में भारी नाराजगी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर समेत 10 लोगों की ड्यूटी लगाई है भिखारी ढूंढने में। जी हां, जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए बकायदा लिखित में आदेश जारी किया है और इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में नाराजगी है। जिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर सहित कई जिलों के कलेक्टर महोदयों को एक पत्र लिखा गया, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारे बच्चे शहर के प्रमुख स्थानों पर भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हांकित किया जाए। और इसके लिए महिला बाल विकास कलेक्टर महोदया ने जो है महिला बाल विकास स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप अपने यहाँ के अमले को लगा करके और ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करें जो स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे हुए हैं। महिला बाल विकास और हम लोगों ने जो है वो अपने जो अमला है हमारा उसकी हमने ड्यूटी लगाई है और उसके माध्यम से हम जो है बच्चों को ऐसे बच्चों को चिन्हांकित कर रहे हैं जो शहर के कई जगहों पर जो है वो भिक्षावृत्ति का काम कर रहे हैं। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, यहाँ मकसद तो अच्छा है शिक्षा विभाग का, लेकिन क्या उस मकसद को सही तरीके से बता नहीं पाए या क्या वजह रही नाराजगी की, और टीचर्स की नाराजगी सामने आने के बाद क्या उनसे बात की गई है, कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार से जब हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा अभियान है, इस अभियान का मकसद ये है कि जो बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं उनको जो है स्कूलों से जोड़ना है, भिक्षा नहीं शिक्षा उनको देना है, और इसी मकसद को लेकर उनका आदेश था। लेकिन कहीं ना कहीं जिन प्रिंसिपलों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन क्लर्कों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें ये बात नागवार गुजरी, और यही वजह है कि इस बात को लेकर विरोध भी हुआ। और जब ये आदेश सुर्खियों में आया तो पूरे प्रदेश में जो शिक्षक हैं उन्होंने इस पर नाराज़गी भी जताई। हालांकि इस आदेश की जो भाषा है उस भाषा को लेकर जरूर आपत्ति थी, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को वहां से उठाकर और पुलिस और महिला बाल विकास की मदद से स्कूलों में भर्ती कराना है। तो निश्चित तौर पर मकसद अच्छा था, लेकिन जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश की भाषा को लेकर थोड़ा सा आपत्ति थी, और यही वजह है कि मिसकम्युनिकेशन इसमें आदेश और आदेश निकलने के बाद जो प्रिंसिपल है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो विरोध कर रहे हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग और मिस कम्युनिकेशन का ये पूरा मसला देखने के लिए मिला है। हालांकि ये भी गलत है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ अकेले ग्वालियर के ही जिला शिक्षा अधिकारी ने ये इस तरह का आदेश जारी किया। उनका कहना है कि महिला बाल विकास ने जो आदेश जारी किया था उस आदेश के परिपालन में ही उन्होंने इस तरह का आदेश देकर अपने 10 प्रिंसिपलों के अलग अलग दिनों में क्लर्कों के साथ ड्यूटी लगाई है। तो निश्चित तौर पर उनकी मकसद अच्छा था, लेकिन आदेश अकेले ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने ही जारी किया, इसी को लेकर जो है ये विवाद और सुर्खियां रही है। सुशील, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो जिला शिक्षा अधिकारी के फरमान के बाद टीचर्स नाराज हैं और खुलकर नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। और यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।